क्या ये पांच मेथड्स यूज करने से हमारा सिर्फ बेली फैट कम होगा या ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा? क्या हम लाइपोसक्शन से बॉडी फैट हटा सकते हैं? क्या बेली फैट कम करने के लिए हम फैट बर्नर्स खा सकते हैं? स्कॉटलैंड के एंगस बारबेरी ने 392 डेज तक यानी एक साल से भी ज्यादा टाइम तक कुछ नहीं खाया। सिर्फ पानी, कॉफी या विटामिन लेकर उन्होंने अपनी तरह का पहला और आखिरी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने 125 किलो वेट कम तो किया, लेकिन गिनीज ने कहा कि इतनी लंबी फास्टिंग अनसेफ होती है और दोबारा कभी भी फास्टिंग का कोई भी रिकॉर्ड रखने से मना कर दिया। नेचुरली फैट कम करने के लिए पानी पर जिंदा रहना कोई सेफ मेथड नहीं है, लेकिन फैट को बर्न करना भी जरूरी है। बेली फैट आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। वो आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों की जमीन तैयार करता है। तो क्या होते हैं बॉडी फैट को कम करने के सेफ और इफेक्टिव मेथड्स, और इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं पहले ही क्लियर कर दूं, आज का हमारा इस वीडियो का पर्पस बॉडी शेम करना नहीं है, बल्कि फैट से होने वाले फिजिकल रिपरकशंस या नुकसान से आपको बचाना है। क्या थोड़ी सी टमी होने की वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? क्या आपको डर लगता रहता है कि कभी भी आपको हार्ट डिजीज या डायबिटीज हो सकती है? तो डरिए नहीं, मैं आपको बताऊंगा पांच तरीके जिससे आप अपने बेली फैट को गुड बाय कह सकते हैं। तो बेली फैट होता क्या है? आप स्ट्रेट खड़े होकर अपने पेट को रिलैक्स छोड़िए। अगर आप नीचे देखकर अपने पांव नहीं देख पा रहे हैं, देन यू हैव बेली फैट। बेली फैट बेसिकली आपके एब्डोमेन रीजन में फैट का अक्यूमुलेशन होता है। ये फैट दो तरह से बेली में स्टोर होता है। पहला है सबक्यूटेनियस फैट, जो आपकी स्किन के जस्ट नीचे स्टोर होता है। दूसरा होता है विसरल फैट, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस फैट होता है, क्योंकि ये आर्टरीज और नसों को ब्लॉक भी कर सकता है। साथ ही साथ हार्ट डिजीज, कैंसर, अल्जाइमर्स डिजीज, स्लीप एपनिया और अस्थमा भी ट्रिगर कर सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि बेली फैट हमारा दुश्मन है। तुम मेरा दुश्मन हो। लेकिन इस दुश्मन से लड़ने के लिए मैं आपको दूंगा पांच अटैक्स। सबसे पहला अटैक है कैलोरी डेफिसिट। आपकी बेली में फैट कुछ दिन, महीने, साल से भरता ही जा रहा है, क्योंकि आप अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खा रहे हैं। मान लिए 80 केजी का अमन एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 2200 कैलोरीज बर्न करता है, तो अब अगर वो 3000 कैलोरीज खाएगा तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज उसके अंदर फैट बना देंगी। वहीं अगर वो 1800 कैलोरीज खाएगा तो ये डेफिसिट रोज उसका फैट बर्न कर देगा। वो जितने ज्यादा दिन इस डेफिसिट को मेंटेन करेगा, उतना आसानी से वेट लूज कर देगा। तो आपके वेट के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और रोज आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, ये जानने के लिए थोड़ी सी टेक्नोलॉजी लगेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देता हूं, जो कि एक कैलोरी कैलकुलेटर है। आप इसे या इसके जैसे किसी भी वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए और मास्टर करिए। एट द सेम टाइम आप किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन से भी मिलिए, जो आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट डिजाइन करके दे। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। खाने से ज्यादा सैलेड्स खाइए और अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। अल्कोहल आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है, और बियर के तो 12 औंस के कैन में 150 कैलोरीज होती हैं। बियर के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं शुगर्स में, जो कि बाद में फैट बन के आपके अंदर स्टोर हो जाते हैं। अब बियर बेली ऐसे ही थोड़ी ना बदनाम है। दूसरा अटैक है कैलोरीज बर्न करना। अगर आप पूरे दिन लेजी रहेंगे तो आपके अंदर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपकी बॉडी में फैट अक्यूमुलेट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होता है जिससे आपकी बॉडी आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपकी मसल्स को रेगुलरली एनर्जी की जरूरत होती है, तो बॉडी फैट स्टोर करने के बजाय उसको बर्न करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। आप लिफ्ट लेने के बजाय स्टेयर्स चढ़िए। 1 किलोमीटर की रेंज में मार्केट से कुछ भी चाहिए हो तो खुद चल के जाइए। मॉर्निंग वॉक पर जाइए, योगा करिए, और अगर आप जिम जा सकते हैं तो कार्डियो और वेट ट्रेनिंग दोनों करिए। बाय द वे, अगर आप अपने वर्कआउट से मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं तो मेरा क्रिएटिन पर वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं। कार्डियो से टोटल बॉडी फैट कम होता है और वेट ट्रेनिंग से आपकी मसल स्ट्रांग होती है। काफी लोग ये सोचते हैं कि डंबल्स और मशीन पर बस बॉडी बिल्डर्स ही एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी मसल होगी, उतना ही वो आपका ओवरऑल फैट बर्न करेगी। वर्कआउट करने से आपका विसरल फैट, यानी वो फैट जो आपके ऑर्गन्स के बीच में है और ज्यादा डेंजरस है, वो ज्यादा जल्दी बर्न हो जाता है। इस गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप HIIT भी कर सकते हैं। HIIT होता है हाइपर इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप कोई सी भी कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसको 20 सेकंड तक आप फुल इंटेंसिटी से करते हैं और फिर 10 सेकंड आप थोड़ा कम इंटेंसिटी पे करते हैं। ऐसे ही हाई और लो कॉम्बिनेशन से फैट ज्यादा जल्दी बर्न होता है और आपकी मसल भी बची रहती है। तीसरा अटैक है पूरी नींद लेना। रिसर्च कहती है कि आप अगर कम सोते हैं तो इसका मतलब ज्यादा जागते हैं,
और ज्यादा जागते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ज्यादा भूख लगती है, आप ज्यादा खाना खाते हैं और फिर वही खाना ज्यादा फैट बनाता है। जो लोग ऑप्टिमली 7 to 8 hours सोते हैं उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट भी कम रहता है और खाने पर भी उनको कंट्रोल रहता है। चौथा अटैक है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक फैक्ट है कि हम में से बहुत लोग दिन भर बस खाने के ही बारे में सोचते रहते हैं, कोई खाने का टाइम टेबल ही नहीं, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक बस कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वहीं पुराने जमाने के लोग दिन ढलने के बाद कुछ खाते ही नहीं थे। आज उसी पुराने जमाने के लाइफस्टाइल को साइंस वैलिडेट ही नहीं करती बल्कि रेकमेंड भी करती है और इसको नाम देती है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 8 घंटे में अपने दिन के सारे मील्स कंप्लीट कर लेते हैं और 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी या ग्रीन टी पीना अलाउड होता है। मतलब अगर मॉर्निंग 9 AM आपने ब्रेकफास्ट किया है तो शाम 5 बजे तक आप डिनर कर सकते हैं और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 9 AM तक आप कुछ नहीं खाते। ऐसा करने से उन 16 घंटे में बॉडी सर्वाइव करने के लिए आपके अनवांटेड फैट सेल्स या खराब सेल्स को खा जाती है। इसको सेल ऑटोफेजी भी कहते हैं। इससे आपका बेली फैट, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और यहाँ तक कि कैंसर बनाने वाली एबिलिटी तक चेक में रहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप हमारा एंटी एजिंग पर वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया है। बेली फैट पर पांचवा अटैक है मेंटल स्ट्रेस को मैनेज करना। जब आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं और आपके अंदर एंजाइटी ट्रिगर होती है तो उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाती है। कॉर्टिसोल आपके ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि बॉडी में फैट बर्न करना बंद कर दो। ऐसा होने से आपकी बॉडी में और स्पेशली बेली रीजन में फैट का अक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। कुछ लोग जब टेंशन में होते हैं तो ज्यादा खा लेते हैं। इसको साइंटिस्ट इमोशनल ईटिंग भी कहते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपके खाने की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी, वाटर इनटेक सब खराब हो जाता है। तो बेली फैट बर्न करने के वो 5 तरीके फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। दूसरा, आपको कैलोरी बर्न करते रहना है। तीसरा, 7 to 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है। चौथा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। और पांचवा, मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को कम रखना है। ओके, सो नाउ अ क्विक Q&A ऑन बेली फैट। क्या ये 5 मेथड्स यूज करने से हमारा सिर्फ बेली फैट कम होगा या ओवरऑल बॉडी का फैट कम होगा? पूरी बॉडी का फैट कम होगा। आपकी बेली में तो सबसे लास्ट में फैट बर्न होगा। सबसे पहले आपको आर्म्स में और लेग्स में फैट रिडक्शन दिखेगा। क्या बेली फैट कम करने के लिए हम फैट बर्नर्स खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फैट बर्नर्स में बहुत हाई कैफीन और एफेड्रीन होता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और एंजाइटी बढ़ जाती है। इसमें DNP नाम का थर्मोजेनिक एजेंट डाला जाता है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इससे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है और छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो सकते हैं। क्या हम लाइपोसक्शन से बॉडी फैट हटा सकते हैं? इसका एग्जैक्ट आंसर आप एक क्वालिफाइड फिजिशियन से ही ले सकते हैं। मेरा मानना है जिस फैट को आपने इतने सालों में अपनी बॉडी के अंदर जमा किया है उसको नेचुरल तरीके से बर्न होने के लिए थोड़ा तो टाइम दीजिए। अगर आपका बॉडी फैट नेचुरली बर्न हो सकता है तो एक अननेचुरल मेडिकल प्रोसीजर क्यों कराना? और लाइपोसक्शन के अपने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, फैट एबोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और इवन कुछ केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी देखे गए हैं। तो होपफुली अब आप बेली फैट को बर्न करने के लिए सारे डूज एंड डोंट्स जान चुके हैं। अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। तो आज इस लर्निंग को आप इम्प्लीमेंट करिए, थोड़ा डिसिप्लिन लाइए और अपनी लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाइए। और ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ब्लूम एंड इवॉल्व।